तो हेलो फ्रेंड्स, की हाल चाल। स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाली है। तो मैं आज की वीडियो में ये चॉपर के बारे में बताने वाला हूँ कि इसमें कौन सी बेस्ट अटैचमेंट और पर्क्स आप लगा सकते हैं जिससे इसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि बहुत आप लोग को शुक्रिया, क्योंकि हमारा चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गई है। तो आप लोग की वजह से हो पाई है, तो आप लोग ने इतना सपोर्ट किया तो हमारा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, बहुत ही जल्द हम लोग अब 10K के पास पहुंच जाएंगे अगर आप लोग चाहें तो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अब तक ने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो पहला तो ये रहा हम लोग का चॉपर। अगर आप लोग को चॉपर LMG एक गन है, जैसे कि बहुत सारी गन होती है, AR और स्नाइपर गन है, शॉर्ट गन वगैरह, तो ये भी एक LMG गन है। तो अगर आपको यह गन अब तक नहीं मिली है तो इसे कैसे लेनी है, कैसे कलेक्ट करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो गन है काफ़ी गजब की गन है। इसमें जो इसकी फायर रेट काफ़ी, मतलब कि काफ़ी हाई फायर रेट है, तो काफ़ी गजब की गन है। फायर रेट का मतलब कि बुलेट बहुत फास्ट निकलती है और रो रिकॉयल है, एंड मतलब रिकॉयल का मतलब कि भाई साहब ये गन हिलता डुलता बहुत ही कम है और बहुत ही स्मूथ चलता है और डैमेज वगैरह भी काफ़ी हाई है। तो चलिए देखते हैं इसकी अटैचमेंट। तो पहला अटैचमेंट की बात कर लूँ तो अब हम लोग को क्विक ड्रॉ लगानी चाहिए, क्योंकि इसकी एमिंग स्पीड बढ़ा देती है। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ अटैचमेंट के बारे में और पर्क्स के बारे में। तो पहला अटैचमेंट आपको बता दिया, क्विक ड्रॉ लगाइए। बहुत से लोग होते हैं जो मन किया वो अटैचमेंट लगा देते, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, क्विक ड्रॉ लगाइए, क्योंकि यह बंदूक जो है थोड़ा सा भारी टाइप की है, तो इसके लिए क्विक ड्रॉ काफ़ी आसान होगा, ताकि आप किसी भी बंदे पर अगर फायर करें तो तुरंत गोली निकलने लगे और उसे फायर हो जाए। तो और अगला अटैचमेंट की बात करूँ तो स्टॉक लगाइए। स्टॉक लगाने से क्या होगा कि इंक्रीज़ करेगा मूवमेंट आपका, इंक्रीज़ करेगा, और जब आप एम करके मारेंगे किसी को स्कोप ओपन करके, ऐसे तो आप इसमें स्कोप लगा नहीं सकते, मगर जब आप इसे जूम किए रहेंगे तब आप गन को अच्छे से डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में हिला डुला सकते हैं, काफ़ी फास्ट स्पीड हो जाएगी। क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि अगर हम लोग स्कोप ओपन करके अगर एनिमी को ढूंढते हैं थोड़ी सी टाइम लगती है, बहुत घुमाना पड़ता है स्क्रीन को, जल्दी घूमता नहीं है, इसको ओपन करने पे स्पीड स्लो हो जाती है और इसको बंद करने पे बहुत ही जल्द गन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो बस यह गन ऑलरेडी भारी है, तो इसमें स्टॉक लगाने से क्या होगा कि आप इसका एम जब करेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो कम होगी और बहुत ही जल्द आप एनिमी को किल कर सकते हैं। तो दो अटैचमेंट मैंने आपको बता दिया, और तीसरा अटैचमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट रिलोड LMG, मतलब कि यह गन जो है इसमें मैगजीन, पहले आप देखिए इतना बड़ा मैगजीन लग रही है। गन देख सकते हैं जैसे कि RPD का ये 2 कॉपी आपको देखने में लगे। RPD में भी काफ़ी देर तक रिलोडिंग होती है गन, तो अगर और इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है गन को रिलोडिंग होने में, तो आपको यहाँ पे फास्ट मैगजीन लगाना पड़ेगा, जिसके कारण आपकी रिलोडिंग टाइम जो है बहुत ही घट जाए। क्योंकि यह गन LMG गन में काफ़ी गजब की एक मशीन गन्स टाइप की है, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसकी बुलेट की कैपेसिटी भी ज़्यादा है, तो यह लोड भी बहुत देर तक होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एनालिसिस करके आपको दिखाया हूँ तो देख सकते हैं कि बिना मैगजीन का लगाए हुए 4-4.5 सेकेंड लगता है, और फास्ट मैगजीन लगाते हैं तो 2 सेकेंड के अंदर ही रिलोड हो जाती है, वो भी काफ़ी फास्ट और काफ़ी स्मूथ चलती है। यह तीनों अटैचमेंट अगर आप लगाते हैं तो देख सकते हैं, मैंने इसे कंफर्म प्रूफ कर दिया। तो चलिए अब आगे बात करते हैं पर्क्स के बारे में। ये तीनों तो आपका कंप्लीट है। पहला पर्क्स आपको लगाना है लाइट वेव। इससे क्या होगा कि भाई साहब इसकी जो स्प्रिंट स्पीड है ना आपकी बढ़ा दी जाएगी और डैमेज भी बहुत हद तक कम हो जाएगी, मतलब कि अगर आप दौड़ रहे हैं, एक तो ये गन है, जैसे कि आप RPD गन बहुत पहले से चलाएं, आपके लिए तो ये LMG चॉपर काफ़ी अभी न्यू है, तभी इसके बारे में मैं एग्जांपल देता हूँ RPD गन की। RPD गन लेकर आप दौड़ते हैं ना तो आपकी स्पीड बहुत ही रिड्यूस हो जाएगी, बहुत ही धीरे धीरे आप दौड़िएगा, तो जस्ट लाइक उसी के तरह यहाँ पे होता है। तो अगर आप ये लाइट वेक लगा लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आप फास्ट दौड़ पाइए। अगर स्प्रिंट में लगा देते ऑटो में, जैसे कि ऑटोमेटिक दौड़ने लगता है कि स्प्रिंट होती है, तो उससे क्या होगा कि उसमें स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी और बंदे लोग अगर आपको मारेंगे भी आप पर असर बहुत ही कम करेगी, मतलब डैमेज की असर रिड्यूस कर देती है, तो काफ़ी गजब की बात है। तो
दो दो जगह से आप स्पीड, यहाँ पे स्पीड बढ़ सकती है यह गन से, नॉर्मल गन की तरह आप स्पीड से दौड़ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं सेकेंड पक्ष की, तो यहाँ पर देख सकते हैं टॉचनेस करके यहाँ पर एक है, तो इससे क्या होगा कि भाई साहब फ्लिचिंग वेन बिंग शूट इज रिड्यूस बाई 60%। मतलब कि क्या है कि यह मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, मगर मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर इस अटैचमेंट यहाँ पे पर्क से भाई साहब इसे आप लगाते हैं और स्लिप वगैरह स्लाइड वगैरह करते हैं और बंदे से थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं, तो आपकी डैमेज वगैरह जो है वह उसकी शॉट्स आपको रिड्यूस कर दी जाएगी, 60% तक आपको कम डैमेज मिलेगी यह लगाने से। तो यह एक काफ़ी बेनिफिट है। और LMG जो वो चॉपर की गन है वो उसकी डैमेज काफ़ी हाई है, तो भाई साहब बंदे तो यूं ही किल हो जाते हैं। दूसरी पर्क्स ये हो गए। अब आगे बात करता हूँ डेड साइलेंट की। अब डेड साइलेंट क्या है ये बता दूँ, तो इसे भी यूज़ करना काफ़ी गजब की है, क्योंकि इससे आपको बंदे, जैसे कि कोई बंदा ट्रैकर लगाकर बैठा हुआ है, ट्रैकर पर्क जिससे होती है क्या फुटप्रिंट वगैरह मिलती है और नॉर्मल लोकेशन अगर अगल बगल बंदे रहेंगे तो मिलेंगे। इससे क्या होगा साइलेंट मूवमेंट से कि बंदे को आपका आने की पता नहीं चलेगी ज़्यादा, और काफ़ी फास्ट दौड़ पाइएगा, और कहीं पे भी पहुँचेगा तो कोई भी इनेमी आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इस टाइप की खूबी होने वाली है, तो इसमें काफ़ी गजब की लगती है, आप किसी भी इनेमी के सामने तुरंत पहुँच जाएंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा, उसे भनक तक नहीं लगेगा कि कोई आ रहा है। तो यह इसकी खूबी है। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ के बारे में बता दिया, मैगजीन के बारे में बता दिया मैंने क्या कि आपको अटैचमेंट लगानी है, और तीनों पर्क्स के बारे में बता दिया। आप यही तीनों पर्क्स यूज कीजिए, क्योंकि काफ़ी गजब की यह तीनों पर्क्स है जो कि इसमें सूटेबल सेट करती है। तो ये फाइनली हमारा कंप्लीट लोड आउट आप देख लीजिए, नीचे तीन पर्क्स मैंने लगा दिया और गन की यहाँ पर तीन अटैचमेंट है, स्कोप तो लगती नहीं है, बाकी का जो सेकेंड वेपन में आप कुछ भी लगा सकते हैं, और क्लास वगैरह आपका मन जो भी यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको होल गेम प्ले आपको दिखाने वाला हूँ इस पर्क्स में लगा के, यहाँ पर देख सकते हैं इसका होल गेम प्ले काफ़ी मस्त की भाई साहब गन लगी है। विदाउट, यहाँ पर देख सकते हैं विदाउट एक्सटर्नल मैगजीन यूज किए हुए 100 बुलेट को अपने पास रखे हुआ है, बिना एक्सटर्नल मैगजीन यूज किए हुए 300 बुलेट तक है, तो काफ़ी गजब की बात है 300 बुलेट। तो एक्सटर्नल मैगजीन की यूज़ करने की तो कोई बात ही नहीं है, एम करने में भी भाई साहब काफ़ी जल्दी, बहुत ही जल्दी बंदे को किल कर दे रही है, और टाइम भी नहीं लग रही है यहाँ पे किसी भी इनेमी को किल करने में। यहाँ पर देख सकते हैं फटाक से एम हो जा रही है और वह किल हो जा रहा है, 4 से 5 गोली में वो साफ हो जा रहा है आगे का। तो काफ़ी ख़तरनाक की गन है भाई साहब यहाँ पे, मैं तो इसे ही यूज़ करने वाला हूँ। मेरा अब तक सबसे फेवरेट था PDW, मगर अब मुझे यह अच्छा लग रहा है यह गन, जो कि काफ़ी गजब यहाँ पर देखने में लग रही है। तो वीडियो कैसी लगी यह बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए। अगर आपने ऐसा लॉड आउट बना के रखा था तो कोई बात नहीं, अगर आपको इस वीडियो में देखने के बाद अगर आपके खेलने में कुछ चेंजेस आई है तो बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप गेम प्ले का इन्जॉय कर लिए, थोड़ा सा गेम प्ले और बचा हुआ है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई साहब फिर से मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने उन फॉलोवर्स को जो भाई लोग हम लोग को सब्सक्राइब किया और 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए हैं, और हमारा वॉच टाइम भी कंप्लीट ही है, तो देखते हैं मोनिटाइजेशन हम लोग का कब ऑन होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए। Friendly Shock RC has been destroyed. Enemy in sight.